विधानसभा चुनावों में बाड़मेर की 7 में से 6 जो सीट है वो कांग्रेस की झोली में, सर आप प्रभारी रहे हैं पहले, विधानसभा चुनावों की हार की क्या वजह मानते हैं? छल कपट और झूठे वादे ने इस बाड़मेर की बोली वाली जनता को कुछ समय के लिए जरूर छला है। जनता समझ चुकी है, जो लोग अभी कुर्सी के बंटवारे के अंदर दिल्ली और जयपुर के बीच के अंदर लगातार जब 11 तारीख की शाम से जब से परिणाम आया है तब से लगातार लगे हुए हैं, और जिस प्रकार के इन्होंने कर्ज माफ़ी के नाम से अन्नदाता को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास किया, बिना कोई मूल्यांकन के, बिना कोई जांचों के, बिना कोई बैंकों के स्टेटमेंट के महज 18,000 करोड़ रुपया बोल देना, उसके बाद में मंत्रिमंडल में जो आपस में इस प्रकार का बंटवारा हो रहा है, ये गाँव इसका, ये गाँव इसका, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। कुछ ऐसे वादे थे जिन वादों के अंदर जनता आई, अब जनता इस चीज़ का प्रायश्चित भी कर रही है, और जो फीडबैक आ रहा है उसके अंदर निश्चित रूप से आने वाले लोकसभा के अंदर हम लोकसभा सीट जीत के वापस कमल की। सर सारे जो झूठे वादे छल कपट इसी के आधार बीजेपी की कमी नहीं, ना बिल्कुल नहीं। अंतर क्या है, पूरे राजस्थान के अंदर अंतर उठा जाता है, ठीक है बाड़मेर जिले की एक 700 सीटों की एक अलग विषय आता है, लेकिन अगर पूरा अंतर उठाया जाता है तो महज 1.5 लाख और 1.25 लाख और 1.25 लाख के बीच के अंदर ये कोई अंतर रहता है जो 0.10 के अंदर, ये कोई हार के अंदर हार नहीं है। 73 विधायकों के साथ और 10 सीटें 2000 के नीचे, ये बिल्कुल कंटेस्ट वाली चीज़ थी, और किसान वर्ग जिस लगातार अकाल या जो पड़ रहा था और कुछ बैंकों की कमी के कारण, लापरवाही के कारण जिस प्रकार किसानों को जो कर्जा माफ हुआ था उसके खाते में नहीं पहुंचा, जनता इनके छलावे में आई। सर एक बात आपसे ज़रूर ये जानना चाहूँगा कि क्या लोकसभा चुनाव में मोदी का वो लहर है अभी तक जो पिछले 2014 के इलेक्शन में नज़र आई थी? इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, हिंदुस्तान का युवा और हिंदुस्तान का हर व्यक्ति जो सात समंदर पार रहता है वो ये महसूस करता है कि नरेंद्र मोदी जी ने भारत के गौरव को पूरे विश्व में स्थापित किया है। आज हरियाणा के जो लेटेस्ट चुनाव थे उन्होंने भी आपको, महापौर के जो चुनाव हुए इन 3 चुनावों के परिणाम के आने के बाद में, वहाँ भी बिल्कुल दिल्ली के नज़दीक राज्य होने के कारण जो पक्ष में गया, नरेंद्र मोदी के पक्ष में युवा, किसान, व्यापारी, कर्मचारी, हर व्यक्ति और सैनिक, हर व्यक्ति ये चाहता है कि भारत का गौरव नरेंद्र मोदी रख सकते हैं। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम वापस पुनः एनडीए के नेतृत्व में सरकार बनेगी। सर 5 साल पहले 2014 की बात करें तो 370 राम मंदिर, इनके ऊपर बहुत सारी बातें हुई थी, आज धर्म संसदें हो रही हैं, लोग कह रहे हैं कि सब केंद्र की सरकार भूल कैसे गई इस बात को। देखिए आज जो भी हो रहा है इस स्वतंत्रता के तहत हर व्यक्ति का अपना अधिकार है, और हमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो कानून के विपरीत हो। विधायिका और कार्यपालिका का समन्वय स्थापित करके निश्चित रूप से जो हमने वादे किए थे, पहले क्या रचना थी, यूपीए गवर्नमेंट के बहुमत के कारण राज्यसभा में हमारे पास बहुमत नहीं था, और जब हमारे पास से बहुमत आया तो हमने जो जो वादे किए थे, जीएसटी के अंदर क्या हुआ था, कांग्रेस स्वयं लाना चाहती थी, लेकिन हम जब जीएसटी लाए और अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के ऊपर हम खड़े उतरे, निश्चित रूप से अब हमारे पास कांग्रेस मुक्त जो भारत हुआ है और राज्यसभा के अंदर मेजोरिटी हुई है, जो हमने वादे किए वो वादे आने वाले दिनों में पूरे होंगे। मेरा एक लास्ट सवाल आपसे है, आपने कहा कुछ पॉइंट्स 0.1 के अंतर से कोई हार जीत का कोई नहीं कह सकते, ये जो पॉइंट जो है ये एसटीएससी एक्ट में जब सुप्रीम कोर्ट ने जब कुछ इसमें किया तो उसमें सरकार ने जिस तरीके से वोट बैंक को, ये मेरा नहीं प्रतिपक्ष का आरोप है कि वोट बैंक को और जो आपके मूल जो वोटर्स थे कहीं ना कहीं वो आपसे नाराज हुए क्योंकि आपने एसटीएससी एक्ट में कहीं ना कहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, आपने देखा होगा 2 दिन से पूरे प्रदेश के प्रदेश पदाधिकारी और प्रदेश नेतृत्व है हर जिले के अंदर विधानसभा स्तर तक पहुंचा है, समीक्षाएं चल रही है, समीक्षा में जो भी निचोड़ आएगा निश्चित रूप से वो पारदर्शिता के सामने हमारे सामने जो आएगा उसको हम रिपेयर करेंगे, और अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि ये एक्ट का कारण रहा था, देखो अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं और नवनीत के रूप में आते हैं। बिल्कुल, ये महेंद्र सिंह जी थे और इनका स्पष्ट ये कहना है कि हम इसके ऊपर आकलन कर रहे हैं और जो भी कमी आएगी उसको सुधारा जाएगा, डैमेज कंट्रोल किया जाएगा, और इनका ये भी कहना है कि जो कुछ एसटीएससी एक्ट को लेकर बातें फैलाई गई है ऐसी कोई बात नहीं, हम इसको लेकर लगातार बातचीत कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं, फिलहाल देखना यह है कि ये चर्चा है इसमें क्या बात सामने निकल कर आती है और किस तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाने में ये चर्चाएँ सहायक होती हैं। कैमरा पर्सन अशोक दहिया के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, इंडिया न्यूज़ बाड़मेर।